डॉक्टर्स माई सेल्फ डॉक्टर नरेश भाटी डायरेक्टर ऑफ वेल्थ केयर ओवरसीज एजुकेशन डी एयर मेडिकल प्रोफेशनल्स और डी एयर डॉक्टर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप अपनी पी जी रेजिडेंसी लुकजम्बर्ग कंट्री में करते हो यूरोपियन कंट्री जो है लुक्जम्बर्ग उसमें अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो या एज ए डॉक्टर आप वहाँ पे काम करोगे तो क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकता है क्या फ़ायदा आपको हो सकता है तो पहला बेनिफिट्स जो है यही है कि हाईएस्ट पे स्केल आपको मिलता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो सैलरी देता है एवरी मंथ मेडिकल प्रोफेशनल में स्पेशली डॉक्टर्स को वो है कंट्री कॉल्ड लुबजेंबर्ग अब एक आप बेसिक आ, आ, आप एक एक फिजिशियन हो एक एमबीबीएस डॉक्टर हो कुछ एक्सपीरियंस है तो आपका जो सैलरी रेंज हो सकता है आठ हज़ार यूरो से ले कर बारह हज़ार यूरो पर मंथ तो आपको पता है ये तो स्मॉल अमाउंट नहीं है और अगर आप स्पेशलाइज डॉक्टर हो और आपका डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड uh, हो जाता है मेडिकल काउंसिल से तो फिफ्टीन थाउजेंड यूरो टू ट्वेंटी थाउजेंड यूरो पर मंथ सैलरी है एक स्पेशलाइज डॉक्टर का तो आप अंदाज लगा सकते हो कि कितना सैलरी आपको मिलता है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फाइनेंस के बिना तो कुछ भी नहीं अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो तभी बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं दूसरा वर्ल्ड का ऐसा कंट्री है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कम्प्लीटली फ्री है आप बस में बैठ के कहीं जाना है कंट्री के किसी भी कोने में ट्रेन में बैठ के किसी के कोने में जाना है कुछ भी ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पे कम्प्लीटली फ्री आप फ्रीली कहीं भी थ्रू आउट कंट्री आप घूम सकते हो तीसरा वर्ल्ड की टॉप मोस्ट फाइव कंट्री में आती ही है अगर आपको लक्जम्बर्ग का पी मिल जाता है इजीली पी आपको मिल जाता है अगर आप तीन से पाँच साल के बीच काम करते हो तो आपको पी मिल जाता है तो पी लेना इजी है और जब आप पासपोर्ट होल्डर बन जाते हो लुजमबर्ग में तो लु्जमबर्ग टॉप मोस्ट कंट्री है वर्ल्ड की फाइव में तो आप वन एटी कंट्री वन सिक्सटी कंट्री या वन सेवेंटी कंट्री अराउंड आप कहीं भी थ्रू आउट वर्ल्ड बिना वीज़ा के वीज़ा ऑन अराइवल भी आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आप लम्बर पासपोर्ट होल्डर हो चौथा पॉइंट आप फैमिली को लेके जा सकते हो अपना जब आपके पास है फैमिली वीज़ा या आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो पांचवा पॉइंट एक्मोडेशन और उसकी हम बात करें तो आपको जो जो भी एम्प्लॉयर है या जो भी हॉस्पिटल आपको हायर कर रहा है वो आपको एकोमोडेशन और उसकी अरेंजमेंट दे सकता है एंड सबसे लास्ट लुक्ज़मबर्ग भी एक शैनेगन कंट्री है तो अगर आपके पास लुक्ज़मबर्ग का वीज़ा है तो सराउंडिंग ऑल कंट्री भी आप ट्रैवल कर सकते हो लाइक स्विट्ज़रलैंड एनी यूरोपियन कंट्री आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो कहने का मतलब मेरा ये है और सबसे लास्ट लुक्ज़मबर्ग में दो लैंग्वेज बोली जाती है फ्रेंच एंड जर्मन तो अगर आपको मान लो जर्मन डिफिकल्ट हो रही है फ्रेंच सीख सकते हो फ्रेंच डिफिकल्ट हो रही है जर्मन सीख सकते हो तो दोनों ही का बी टू लेवल का आपका जर्मन चाहिए होता है सबसे लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वहाँ पे कोई मेडिकल एग्ज़ाम लाइसेंस एग्जाम नहीं लिखना है अगर बी टू के बाद आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गए मेडिकल काउंसिल से तो कोई भी लाइसेंस एग्जाम नहीं अप्रूवल लेटर उनसे मिलता है और आप अपनी रेजिडेंसी या वर्क स्टार्ट कर सकते हो लब्जमबर्ग में तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप लुजमबर्ग में रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हो और वहाँ पे एज अ डॉक्टर अगर आप काम करना चाहते हो तो ये हमने आज डिस्कस किया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जितने भी डॉक्टर्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और ये इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेडिकल ग्रुप्स में डॉक्टर ग्रुप्स में कॉलेज ग्रुप्स में आप स्प्रेड करें ताकि आप कि कहीं ना कहीं किसी की फ्रेंड की जिनके सपने हैं यूरोप में सेट होने के उनके लिए ये फ्रूटफुल हो सकता है तो आज के लिए इतना ही आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दे इजाज़त जय कर्नाटका जय भारत जय हिंद